हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुल्च स्टडी में। आप देख रहे हैं गुल्च स्टडी स्टडी गुलचा। आज हम बात करेंगे व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमने पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी लूप के बारे में वीडियो लाए थे हम, उससे पहले एक फोर लूप की डिटेल वीडियो थी कि फोर लूप किस तरह से काम करता है। उसी तरह से ये है व्हाइल लूप पर बेस्ड वीडियो है कि व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है, व्हाइल लूप के एग्जाम्पल्स क्या है, इस तरह से हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, उसमें हम आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल्स दिखाएंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में कल को आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ट्रबो C++ पे। अभी आज के लिए थ्योरी लेक्चर है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाइल लूप इन सी, व्हाइल लूप का क्या काम है कि व्हाइल लूप जो होता है फोर लूप की तरह ही होता है, बट व्हाइल लूप इज आल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। इन जनरल व्हाइल लूप अलाउज अ पार्ट ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन अ गिवन बूलियन कंडीशन। इट कैन बी व्यूड एज अ रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। द व्हाइल लूप इज मोस्टली यूज्ड इन द केस वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। होता क्या है कि फोर लूप का हम यूज वहां पर करते हैं जहां पर दोनों का काम एक ही है आइट्रेशन करना, लेकिन फोर लूप का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें नंबर ऑफ टाइम्स पता होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें आइट्रेशन करना है। लेकिन व्हाइल लूप का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें आइट्रेशन के नंबर का पता नहीं होता, कितनी बार लूप चलाना है, कहाँ तक ये कंडीशन जाने वाली है, इसका हमें पहले से पता नहीं होता, इसलिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों का वर्क एक ही है, दोनों बेसिकली एडिशन के लिए होते हैं। जैसे टेबल का प्रोग्राम प्रिंट करना है या फिर कोई सीरीज प्रिंट करनी है, उसके लिए हम व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका यूज ले लेते हैं। सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप क्या है, सिंटेक्स क्या होता है व्हाइल लूप का। द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज इज गिवन व्हाइल कंडीशन, व्हाइल लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देंगे, फिर करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूट जो भी हमें कोड करना है, जो भी परफॉर्म करना है, जो भी प्रोसेस करना है वो लिख देंगे, और लास्ट में कर ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। ये होता है इसका सिंटैक्स। अब इसके और बारे में जानते हैं आगे कि व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या है कि सबसे पहले कंडीशन होती है व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन आई। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो नीचे जाएगा स्टेटमेंट देखेगा, स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे आके डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगा। इस तरह का ये हमारा जो है फ्लो चार्ट होता है व्हाइल लूप का, ये वर्किंग प्रोसेस है व्हाइल लूप का। अब देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ द व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h और फिर हम लिखते हैं इंटीजर मेन और फिर लिख दिया करली ब्रेसेस ओपन किया इंटीजर आई इक्वल टू 1 और व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। हमने क्या कंडीशन देखी है, देखिए व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 हमने कहा या तो हमारा जो आई है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 10 तक जाएगा, ये हमने कंडीशन दे दी। अब क्या करेंगे हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, कंडीशन के अंदर प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एन और आई हमने प्रिंट करा दिया आई को। अब आई जो है वो बार बार प्रिंट होता रहेगा लूप के अंदर जब तक कि आई जो है लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, आई प्लस प्लस होता रहेगा हर बार। कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया, रिटर्न 0 क्योंकि फंक्शन का हमारा इंटीजर टाइप का, इसलिए हम रिटर्न तो 0 लेंगे और हमने जो है ये प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब इसका अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा एग्जांपल ऑफ द व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज। लेट्स सी द सिंपल प्रोग्राम ऑफ व्हाइल लूप दैट प्रिंट्स अ टेबल ऑफ 1 कि 1 का हमें टेबल प्रिंट करना है, सिंपल 1 का टेबल 1 1 जब 1 1 1 1 2 जब 2 1 3 जब 3 और 1 4 जब 4, इस तरह से होता है सिंपल, सभी को पता है। तो ये जो हमें प्रिंट कराना है उसके लिए क्या है कि आउटपुट इस प्रोग्राम का हम पहले देखेंगे, पहले देख लेते हैं इंटीजर मेन टाइप ऑफ फंक्शन बनाया इंटीजर आई इक्वल टू 1 व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, इस तरह से हमने प्रिंट करा लिया।
सेम प्रोग्राम हम पहले भी रीड कर चुके हैं, तो इसका हमारे आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8 9 10 इस तरह से 10 तक के नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सिंपली 1 का टेबल प्रिंट हो गया, सिंपल हमारा जो प्रोग्राम है, एग्जांपल है, सिंपल है बिल्कुल, आउटपुट हमारा प्रिंट होकर आ गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कोई और नंबर है, कोई यूजर से नंबर ले, हम गिविन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप, हमें एक नंबर यूजर से लेना है और उस पर हमें प्रिंट कराना है। यूजर से नहीं, अभी हम अपने नंबर ले लें, जैसे इंटीजर आई इक्वल टू 1 ले लिया, नंबर इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 9, एंटर का नंबर, यूजर ने नंबर एंटर किया और उस नंबर को हमने ले लिया, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट ऑफ परसेंटाइल टी बैक स्लैश है नंबर इनटू आई, नंबर हर टाइम क्या होगा, आई के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई बार बार प्लस प्लस होता रहेगा, रिटर्न 0। अब इसमें क्या होगा कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, प्रिंट द सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स, हमें जैसे कि ये क्या था लास्ट वाला प्रोग्राम, इसमें क्या था, अगर यूजर ने सपोज करो एंटर किया 5, अगर यूजर ने 5 एंटर किया तो आउटपुट आएगा 5 5 5 5 2 10 5 3 15, और पहले वो क्या मांगेगा, यूजर से एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर ये मांग लेगा और यूजर ने यहाँ पे लिख दिया 5, तो 5 का टेबल एंटर करने पर प्रिंट हो जाएगा सिंपली। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, तो क्या है कि हमें अदर एग्जांपल पे एक प्रिंट सीरीज करानी है, सीरीज प्रिंट करानी है ऑड नंबर्स की, हमने इसके लिए क्या किया, वॉइड टाइप का मेन फंक्शन ले लिया, इंटीजर जे इक्वल टू 1, इंटीजर जे इक्वल टू 1, हमने वाइल के अंदर कंडीशन लगा दी जे प्लस इक्वल टू 2, हर टाइम जे में क्या प्लस हो जाए 2, जे लेस देन इक्वल टू 10, जब तक कि जो जे है वो 10 नहीं हो जाता तब तक जे में हर टाइम 2 प्लस होता रहे। अब अगर 1 है जे पहले से, उसमें 2 प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 2 3 2 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7, तो ऑड नंबर आएंगे हर टाइम, जब भी किसी ऑड नंबर में हम 2 प्लस करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। इस तरह से हमने प्रिंट ऑफ के अंदर जे को प्रिंट करा दिया यहाँ पर, प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी और जे, इस तरह से हमने बार बार उसको प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट क्या होगा, एक बार मैं आपको बता दूं, इसका आउटपुट होगा पहले तो 1 है तो इसका आएगा 2 1 2 सॉरी 3 नहीं आएगा 1 3 और 5 7 और 9 10 पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमारी हर बार ओड नंबर्स ही प्रिंट हो गए। ये हमारा वैल्यू का छोटा सा एग्जांपल था, इसका प्रैक्टिकल हम आपको कल करके दिखाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से हमारी जो सीरीज है मैसोर 2019 कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बिगिनर मैथ्स, बिगिन करंट अफेयर्स और टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस, ट्रिपल सी के सैम्पल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।